वर्गीकृत बारंबारता सारणी समावेशी वर्ग इंक्लूसिव क्लास। जब संकलित आंकड़े अधिक हों, उनके न्यूनतम व अधिकतम मान का अंतर भी ज्यादा हो तो उनकी बारंबारता सारणी भी बहुत बड़ी बनती है। ऐसी स्थिति में हम एक संख्या की बारंबारता न निकालकर संख्याओं के छोटे छोटे समूहों की बारंबारता निकालते हैं। इन समूहों को हम वर्ग कहते हैं। उदाहरण एक, 50 ओवर के एक दिवसीय क्रिकेट मैच में किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या निम्नानुसार है, 7, 8, 2, 5, 7, 12, 6, 20, 18, 9, 11, 5, 19, 10, 3, 6, 12, 8, 16, 0, 12, 7, 8, 11, 15, 13, 4, 7, 1, 22, 17, 1, 6, 21, 4, 9, 11, 5, 19, 10, 14, 2, 16, 2, 6, और 8। इन आंकड़ों से यदि पहले की तरह बारंबारता सारणी बनानी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें शून्य रन बना है, ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें एक रन बना है आदि। ऐसा करते हुए हमें 26 तक जाना होगा, क्योंकि पूरे मैच में एक ओवर ऐसा भी है जिसमें 26 रन बने हैं। सोचिए कितनी बड़ी सारणी बनेगी। क्या ऐसी स्थिति में हम इस तरह सोच सकते हैं, ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें 1 से 6 तक रन बने हैं, ऐसे कितने ओवर हैं जिनमें 7 से 12 तक रन बने हैं, इसी तरह 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30 तक रन आदि। इन संख्या समूहों को हम वर्ग क्लास कहते हैं। वर्ग हमारी आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े हो सकते हैं। इस उदाहरण में आप 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 या 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 या कोई और वर्ग भी चुन सकते हैं। इन वर्गों की बारंबारता कैसे मालूम करें? ऊपर बताए गए वर्गों में कोई एक वर्ग चुनें। अब हर ओवर में बने रनों की संख्या को क्रमशः देखें। यह संख्या जिस वर्ग में आती हो उसमें एक गणना चिन्ह लगाएं। ऐसा सभी 50 ओवरों की रन संख्या के लिए करें। आपको निम्न बारंबारता सारणी मिलेगी। ऐसी सारणियों का उपयोग करते समय हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग की निम्न सीमा, उच्च सीमा, वर्गांक, मध्य बिंदु, समावेशी वर्ग, असमावेशी वर्ग आदि। आइए इन्हें समझते हैं। ऊपर के उदाहरण में 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 आदि सभी वर्ग हैं। इस बारंबारता सारणी के किन्हीं दो वर्गों को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि एक वर्ग की उच्च सीमा जहां खत्म होती है, अगले वर्ग की निम्न सीमा उसके बाद शुरू होती है। वहीं से नहीं, अर्थात किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है। ऐसे वर्ग समावेशी वर्ग कहलाते हैं, क्योंकि वर्ग की निम्न और उच्च सीमा दोनों उसी वर्ग में समाहित होती हैं। वर्ग 0 से 4 में 0, 1, 2, 3, 4 रन बनाने वाले ओवर शामिल हैं, यानी 5 परिस्थितियां। अतः इस वर्ग का अंतराल 5 है। इसी प्रकार 5 से 9 में 5, 6, 7, 8, 9 रन वाले ओवर शामिल हैं। यहां भी वर्ग अंतराल 5 है। अब देखिए, जो पहला वर्ग 0 से 4 है, इसमें निम्न सीमा 0 तथा उच्च सीमा 4 है। इसी तरह आप देखेंगे कि बाकी जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा क्रमशः
5, 10, 15 है और उच्च सीमा क्रमशः 9, 14, 19 है। हर वर्ग में उच्च व निम्न सीमा का अंतर 4 है। इसी तरह वर्ग 0 से 4 का वर्गांक मध्य बिंदु बराबर 0 धन 4 बटा 2 बराबर 2। इसी प्रकार 5 से 9 का वर्गांक बराबर 5 धन 9 बटा 2 बराबर 14 बटा 2 बराबर 7 है। इसी प्रकार अन्य वर्गों का वर्गांक निकाला जा सकता है।